सहायता और आप देख रहे हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेट सैगल को पद से बर्खास्त कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि इन दोनों को मस्क ने हेडक्वार्टर से भी बाहर निकलवा दिया है। मस्क ने उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खातों की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। मस्क ने गुरुवार को कहा था कि वह ट्विटर को अधिक मानवता की मदद करने की कोशिश करने के लिए खरीद रहे हैं। सूत्रों द्वारा रॉयटर्स को बताया गया कि नेट सहगल और पराग अग्रवाल ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय में थे जब डील बंद हो गई और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। बता दें, डील पूरी होने से एक दिन पहले एलन मस्क ने ट्विटर मुख्यालय का दौरा किया था और अपने बायो को चीफ ट्वीट में बदला था। उन्होंने कहा कि ट्विटर स्पष्ट रूप से एक फ्री फॉर ऑल हेल्थस्केप नहीं बन सकता है जहां बिना किसी परिणाम के कुछ भी कहा जा सकता है। आज शुक्रवार से छठ पूजा के महापर्व की शुरुआत हो गई है और इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में श्रद्धालु यमुना नदी के घाटों पर पूजा करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि यमुना का प्रदूषण किसी से छुपा नहीं है और अब छठ पूजा के दौरान इसी को लेकर राजनीति और आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर छठ पूजा से पहले यमुना से झाग हटाने के लिए उसमें जहरीले रसायन का छिड़काव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि यमुना की प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेने के लिए हमने कालिंदी कुंज क्षेत्र का दौरा किया। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि झाग को छिपाने के लिए एक बहुत ही जहरीले रसायन का छिड़काव किया जा रहा था। जो लोग छिड़काव कर रहे थे वह हमें देखकर तुरंत भाग गए। हमने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इसके साथ ही पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी है और आरोप लगाया है कि आप प्रमुख का गाजीपुर ढलाव घर का दौरा नदी में प्रदूषण के मुद्दे से ध्यान हटाने की एक साजिश है। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर यमुना नदी से सफेद झाग हटाने के लिए जहरीले रसायन का छिड़काव करने का आरोप लगाया है और अब भाजपा के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी है। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा नेताओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ सीखना चाहिए। बीजेपी की एंटी फॉर्मिंग रासायनिक तकनीक की सिफारिश केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने भी की है। अपने एक ट्वीट में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र की नमामि गंगे पहल ने यमुना में एक एंटी फॉर्मिंग एजेंट का उपयोग करने का भी सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि हर रसायन जहर नहीं होता है। हम छठ पूजा पर श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ घाट और झाग मुक्त यमुना मुहैया कराएंगे। मुंबई रेलवे पुलिस का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। रेलवे पुलिस कमिश्नर द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। उन्होंने मुंबई में रहने वाले लोगों से कहा है कि इस ट्विटर हैंडल से जो भी नए ट्वीट्स किए जाएं उन पर भरोसा ना करें। मामले को लेकर आगे की जानकारी दी जाएगी, उसके बाद ही रेलवे पुलिस के ट्वीट्स पर ध्यान दे। साथ ही कमिश्नर ने बताया कि इस मामले में एजेंसियां जांच में जुटी हैं और जल्द से जल्द अकाउंट को रिस्टोर कर दिया जाएगा। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्री का दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भाषण दे रहे थे तब अमित शाह ने उन्हें चार बार टोका और कहा कि लंबे भाषण देने के लिए यह मंच ठीक नहीं है। गृह मंत्रालय द्वारा आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर गुरुवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में शुरू हुआ। 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों या सभी राज्यों के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अनिल विज को वेलकम स्पीच देनी थी और उनके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह द्वारा मुख्य भाषण दिया जाना था, लेकिन जैसे ही सत्र शुरू हुआ वैसे ही विज ने बोलना शुरू कर दिया और वे लगभग चुनावी भाषण देते हुए नजर आए। इस दौरान विज ने भाषण के समय का ध्यान नहीं रखा, जिसके बाद शाह ने मंत्री को एक चिट भेजकर अपना भाषण छोटा करने को कहा। हालांकि ऐसा देखा गया कि विज ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक और मिनट के लिए बोलना जारी रखा। इस पर शाह ने अपना माइक भी ऑन किया और विज को भाषण खत्म करने का इशारा करते हुए माइक बंद कर लिया, लेकिन शायद विज को अभी भी संदेश नहीं मिला। और इसके बाद अमित शाह ने अपना माइक एक बार फिर ऑन किया और बोले, अनिल जी, आपको 5 मिनट आवंटित किए गए थे, आप पहले ही 8.5 मिनट बोल चुके हैं, कृपया अपना भाषण समाप्त, यह इतने लंबे भाषण देने की जगह नहीं है, इसे संक्षिप्त रखें। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में है। दिल्ली के आनंद विहार और अक्षरधाम में सुबह से धुंध छाई रही और वायु प्रदूषण का लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली सहित NCR में भी शुक्रवार को धुंध की चादर देखी गई। आनंद विहार में आज सुबह AQI 440 दर्ज किया गया, तो नोएडा सेक्टर 62 में 368, वहीं गुरुग्राम सेक्टर 51 में 356 AQI दर्ज किया गया। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदूषण कितने खराब स्तर पर पहुंच गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति विशेषज्ञों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने लंबे भाषण में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर यूक्रेन के खिलाफ खतरनाक और खूनी वर्चस्व के खेल में अन्य देशों को अपनी शर्तों को थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पुतिन ने कहा, यह खेल खतरनाक है, खूनी है और मैं इसे गंदा कहूंगा। पुतिन ने दलील दी कि दुनिया एक अहम मोड़ पर है, जहां पश्चिम अब मानव जाति के लिए अपनी इच्छा थोपने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करने की कोशिश करता है और ज्यादातर देश अब इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी नीतियों से और अधिक अराजकता पैदा होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com पर।